मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पिछले क्लास में इसको मैंने पढ़ा था, बट आई हैव टू चेक गिवन रिलेशन आइदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव। सो लेट ये रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। दिस कार्टिजियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1। सपोज ए क्रॉस ए करें 2 बार 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3। सो दिस इज द कार्टिजियन प्रोडक्ट फॉर्म। इफ आर वन इज इक्वल टू कंप्लीट ए क्रॉस ए ले लिया जाए, चेक करना है रिफ्लेक्सिव, तो क्या होना है? तो सारे एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर और ए बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स इसका इमेज स्वयं ए बनाएगा। सपोज करते हैं राम ले लेना, तो राम का इमेज राम यानी कि ऑब्वियस बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स जो इमेज होगा वो डबलेट बनाएगा, वो रिफ्लेक्सिविटी कहलाएगा। तो यहाँ पर क्लियर है कि ए क्रॉस ए में सारे यहाँ 1, 1, 2, 2, 3। सो इस पूरे कार्टिजियन प्रोडक्ट में है, बाकी रेस्ट क्या है नहीं देखना है। यानी कि हमारा जो सेट 1, 2, 3, 4 है, सपोज करते हैं यहाँ पर 4 हम डाल दें, तो अब क्या होगा? अब ये क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4, 4 जो बनना है, 4, 4 जो डबलेट बनना है वो इस कंटेंट में नहीं है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिविटी नहीं होगा। यानी कि सारे ऑर्डर्ड पेयर को रहना जरूरी होता है। अब आर टू में 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये क्या हो गया 1, 1, 2, 2, 3, 3, दैट मीन्स 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3। सो इसे कह सकते हैं कि यह जो है सो रिफ्लेक्सिविटी है अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव। आर थ्री 1, 1 तो है, एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे 1, 1 है। अब यहाँ पर देखिए 1, 2 जैसे ही नहीं है वो 2, 2, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे यहीं पर ड्रॉप करेंगे और यह यहीं से पता चल जाएगा कि यह रिफ्लेक्सिविटी नहीं है। फिर देखते हैं कि रिलेशन आर फोर लिया जाए 1, 3, 3, 1, इसका मतलब इसमें तो साफ क्लियर है, इट इज़ क्लियर दैट नो एनी एलिमेंट, नो एनी ऑर्डर्ड पैड इज इन डबलेट फॉर्म, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एंड आर फोर 1, 1 तो है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है और 1, 2, 2, 3 है, इसको नहीं देखना। जब यहाँ पर बात हो गई कि टोटल कार्टिजियन प्रोडक्ट ही हमारे हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पर टोटल इमेज मिल चुका है यहाँ पर, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? यह भी रिफ्लेक्सिव होगा। यह रिफ्लेक्सिविटी का चेक करने का तरीका है। इसी तरह से हम आगे चलेंगे सिमेट्री पर, तो सिमेट्री पर इसी को रहने देते हैं और फिर इस पर चेक करते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री में बताया गया था कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर करें और तब क्या हो जाएगा, यह बी ए बिलोंग्स टू आर करें, यानी कि इंटरचेंज प्लेस क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया ऑर्डर पेयर का। ये जो इंटरचेंज हो गया कि ए बी के स्थान पर बी ए के स्थान पर चला गया, बिलोंग्स टू आर यानी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स अब जो हमें लेना है आर वन, यदि हम बात करें क्या ए क्रॉस ए क्या यह रिफ्लेक्सिविटी होगा, सॉरी यह क्या सिमेट्री होगा, यह सिमेट्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। अब सपोज करते हैं कि 1, 1 यहाँ पर चेक करते हैं 1, 1, इसका इमेज 1, 1 है, तो यानी कि कोई भी 1, 1 है, इसका इमेज जब 1, 1 ही हो जाए तो इसका मतलब ये सिमेट्री है। अब यदि सपोज करते हैं 1, 2 लेते हैं, कोई दूसरा एलिमेंट मैंने लिया 1, 2, तो इसका क्या होना चाहिए? अब 1, 2 बिलोंग्स टू आर, तो ऑब्वियस क्या होना चाहिए? 2, 1 बिलोंग्स टू आर, सो ऑब्वियस 2, 2, 1 भी मिल रहा है इसमें। यानी कि कोई फिर 1, 3 लेके देखें, 1, 3 बिलोंग्स टू आर, सो ऑब्वियस 3, 1, 3, 1 बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स टोटली एलिमेंट्स, टोटली ऑर्डर्ड पेयर कंटेंस द सिमेट्रिक फॉर्म। सो आर वन इज इक्वल टू ए क्रॉस ए इज सिमेट्री। सपोज आर टू, अब एक एलिमेंट लिया मैंने 1, 1, एक लिया 1, 2, एक लिया 2, 1, एक लिया 3, 1, क्या यह सिमेट्री है? इस पर चेक करते हैं, यहां पर 1, 1 है तो इसका इमेज है, ये इसका मिल रहा है 1, 1 है, इसका मतलब इसका इमेज पुनः मिल रहा है, यानी कि यह तो है काम कर रहा है। लेकिन 1, 2 है, यह भी काम कर रहा है, 2, 1 इसका मिल गया, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, और 3, 1
लिया मैंने, तो अब क्या होना चाहिए, 1.3 होना चाहिए, बट 1.3 इज नॉट हियर, सो वी कैन से दैट कि रिफ्लेक्सिविटी इज, सॉरी सिमेट्री इज नॉट फुलफिल बाय द डिफिनेशन ऑफ सिमेट्री. सो R3 इज इक्वल टू, यदि फिर अगेन हम एक रिलेशन फाउंड करते हैं, फाइंड करते हैं कि 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 1, क्या यह है, सॉरी 4 नहीं है, इसमें 4 ले लेंगे, 1, 3 तक लेंगे, यानी कि यहां पर आप देखते हैं ये क्या है, 1, 1 इसका इमेज हो गया, 1, 2 हो गया, इसका इमेज नहीं है, 1, 3 है, 3, 1 है इसका इमेज है, 1, 2 का इमेज नहीं है, यानी कि इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा सिमेट्री है और कौन सा सिमेट्री नहीं है. ऑब्वियस ए बी बिलोंग्स टू आर करेगा तो बी ए बिलोंग्स टू आर उसे होना पड़ेगा. यानी फिर एक और भी कोई लेके देख सकते हैं, यदि कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट में बताएंगे या फिर क्लास में पूछेंगे. 1, 1, 2, 2, 3, 3 सिर्फ इसको मैंने लिखा. अब क्या हो गया, अब क्या केस हो गया, यह तो क्लियर है यहां पर यह रिफ्लेक्सिव भी है, यह 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, रिफ्लेक्सिव भी है, बट क्या यह सिमेट्री है, तो सिमेट्री भी है, इसलिए सिमेट्री है क्योंकि उसका इमेज 1, 1 इसको यदि रिवर्स में लिखेंगे ए बी को बी ए में तो यह क्या आएगा, 1, 1 और 1 का प्लेस चेंज भी करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1 के प्लेस में देर इज नो एनी इफेक्ट ऑन इट, सो कह सकते हैं 2 एंड 2, 3 एंड 3 ऑब्वियस इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ऑल्सो सिमेट्री, सो दिस इज सिमेट्री. एंड अगेन वी हैव टू चेक ट्रांजिटिव. सो व्हाट ट्रांजिटिव, बाय द डिफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, सो ऑब्वियस ए सी बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए, ऐसा होना चाहिए. यानी कि अब मैंने देखा, पहले पढ़ चुका है कि आई ए बी बिलोंग्स टू बी सी, यानी कि कंटिन्यूसली होना चाहिए, बी है सी है, ए बी बिलोंग्स टू बी सी, ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू सी, तो ऑब्वियस ए बिलोंग्स टू सी होना चाहिए, ऐसा एलिमेंट हमें चाहिए. यदि हम बात करें अब कि एक इसी से रिलेशन फाइंड आउट करें कार्टिजन प्रोडक्ट में, तो कार्टिजन प्रोडक्ट में यह क्या होगा, काम करेगा. यानी सपोज ऐसे भी कार्टिजन प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं 1, 2, 3 और यहाँ पर जैसा बॉक्स बना दें तो 1, 1 ये 1, 1 फिर क्या हो जाएगा 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3 ऐसे लिखें या ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, बात बराबर है. तो कहने का मतलब क्या, ये कार्टिजन प्रोडक्ट क्या देख रहे हैं कि आर 1 इक्वल टू ए ए, इसमें यदि कोई भी हम एलिमेंट लेके देखें 1, 1 लिया तो फिर यह क्या हो गया, कंस्टिट्यूटिव 1, 2 है, तो 1, 2 है, तो इसका मतलब फिर क्या हो गया कि अब हमें क्या चाहिए, 1, 2 ही चाहिए, तो 1, 2 ऑब्वियस है. अब यदि हम वहाँ से 1, 2 लिए तो फिर क्या चाहिए, 2, 3 चाहिए, तो 1, 2 लिया मैंने, यदि इसको मान लिया 1, 2 और फिर हमें क्या चाहिए, 2, 3 चाहिए, 2, 3 भी है यहाँ पर, ये भी बिलोंग्स करा रहा है, 2, 3 बिलोंग्स टू आर करा रहा है. अब नेक्स्ट जो एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन ए 1, 3 belongs to R, so obvious 1, 3 belongs to R in this Cartesian product. So R1 is equal to A is fulfilled in this by the definition of transitivity. So R2 is equal to, यदि हम फिर एक दूसरा conditions लें 1, 1, 2, 2, 3, 3, अब ऐसा काम कर लें तब क्या हो जाएगा, यानी कि अब ये क्या कह रहा है, इस पर गौर करेंगे कि 1, 1 ये रिफ्लेक्सिव भी है, 2, 2 है, 3, 3 है, 3, 3 तक ये है, यदि 4 होता तो 4, 4 होना होता, यानी कि रिफ्लेक्सिविटी है, यह सिमेट्री भी मैंने बताया यह है. अब ट्रांजिटिविटी में क्या है, कि ट्रांजिटिविटी में यहाँ समस्या आ सकती है थोड़ा सा समझने में, कि ये 1, 1 है, अब इसका जो डिफिनेशन कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर होगा तब हम ना पढ़ेंगे बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कंस्टिट्यूटिव होना चाहिए, और जब ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी यहाँ पर अब 1 है ही नहीं पैर में, इसका मतलब होता है क्या कि हम इसी पर यहाँ पर इसको लीव करेंगे और तब देखेंगे कि जब डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पर हो, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, सो ऑब्वियस दिस इज ट्रांजिटिविटी. सो यहाँ पर चेक ही नहीं करना है. सो सपोज R3 इक्वल टू हम कोई और ले लेते हैं 1, 2, 2, 3, 1, 3 अब क्या हो जाएगा, अब तो ऑब्वियस क्लियर है 1, 2 लिया, इसके बाद क्या हो गया 2, 3 हो गया, 2, 3 के बाद
क्या चाहिए था, 13 चाहिए था एलिमेंट, 13 है ऑब्वियस, यह भी फुलफिल क्राइटेरिया को कर दिया हमारा, ट्रांजिटिविटी ये भी है, ये भी है, ये भी हो गया। और R4 यदि हम कोई दूसरा लेते हैं, सिर्फ अब हम एक 1-2 लेके देखें, एक ही हम एलिमेंट लिया तो अब क्या होगा, इस पर भी डिस्कस करना चाहिए। 1-2 ले लिया, मैंने पहले बताया कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि अब देर इज नो एनी एलिमेंट इन दिस कंटेंट, इन दिस बॉक्स, इन दिस सेट, सो आई हैव नो चेक, आई हैव नो चेक करना है कि अब आगे बी सी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं, यानी कि यहीं पर हमें छोड़ देना है इसको, यानी कि ए 1-2 बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब यह भी है। यदि सिर्फ 2-3 भी है, यदि और हम लेके देखें कि 1-2 है, अब यहाँ पर एक आ गया 2-3 ऐसा ले लें, तब क्या हो जाएगा, तब क्या यह ट्रांजिटिविटी है, ट्रांजिटिविटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि 1-2 है 2-3 है, अब इसके लिए क्या चाहिए था, 1-3 चाहिए था यहाँ पर, जबकि नहीं है, इसलिए यह ट्रांजिटिविटी केस नहीं होगा। यदि ऐसा होता तब क्या हो जाता, कि 1-3 होना चाहिए था, यानी कि 1-2 है यहाँ पर, देखें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट भी मैंने देखा यहाँ पर, 1-2 देखा, 2-3 देखा, 1-3 देखा, ये भी ट्रांजिटिव केस में आ जाता है, 1-2 2-3 भी देखा, यह भी क्या हुआ, यह तो यह नहीं आया। लेकिन एक और केस यदि हम बनाएं, R6 इक्वल टू सपोज करें कि हम 1-2 बना लिए, 3-4 बना ले, सॉरी 1-1 बनाए, फिर 2-3 बना लिए और 3-1 बनाइए, क्या ये ट्रांजिटिविटी होगा। अब 1-1 तो है, अब हमको क्या चाहिए था, 1-3 चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3-1 है, इसका मतलब ये भी रेगुलर केस में नहीं है, 1-1 है यहाँ पर, 2-3 है, जबकि होना चाहिए था 1-3, नहीं है। इस केस में भी देखेंगे कि किसी भी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रहा है, यानी कि हमें चेक करना होगा हर एलिमेंट को ट्रांजिटिविटी के लिए, इसलिए यह भी ट्रांजिटिविटी नहीं हुआ। यानी कि अब हमने देखा कि ट्रांजिटिविटी और रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्री कैसे होता है। एक चीज़ यहाँ पर और बताएंगे हम लोग, आइडेंटिफाई करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई, सॉरी डिफरेंस बिटवीन, एक चीज़ छूट रहा है कि डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव। ये आइडेंटिटी मैंने पढ़ाया था कि आइडेंटिटी क्या होता है, कि ए सपोज ए बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स यह क्या हो गया, यह भी क्या होता है, डबलेट बनाता है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्सिविटी में क्या बताया, रिफ्लेक्सिव में कोई यदि हम ले लिए, सपोज करते हैं R1 हम ले लिए, यहाँ पर भी 2-2 और 3-3 ये, और एक ये हमारे पास दूसरा सेट ले लिया हम 1-1 2-2 3-3 1-2 2 2-3 मान लेते हैं, ले लेते हैं। अब इसको चेक करना कि कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है। यहाँ तो क्लियर है इस बॉक्स में कि R1 इक्वल टू 1-1 2-2 3-3, यह क्या है, आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, कि डबलेट एलिमेंट्स बना रहा है, इमेज वही बना रहा है, 1-1 बना रहा है, 2-2 बना रहा है, 3-3 बना रहा है, यह क्लियर है कि यह जो है सो आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी का जो है सो यही फार्मूला है। R2 यदि रिलेशन हम यहाँ से फाइंड किए इसी कार्टिजन प्रोडक्ट में, इसी कार्टिजन प्रोडक्ट को लेकर बढ़े 1-1 2-2 3-3 यहाँ तक यदि हम बात करें, तो यहाँ तक क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ तक हमारे पास क्या है, 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, यह रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है, लेकिन इसकी बात करें तो क्या है, यह इसकी बात करें तो रेस्ट एलिमेंट है, इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी नहीं हो सकता, आइडेंटिटी होने के लिए हर एलिमेंट को डबलेट होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिविटी में क्या मैंने बताया कि ए क्रॉस ए भी क्या हो गया, कार्टिजियन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिविटी होगा। तो 1-2 और 2-3 जैसे यहां पर है, तो यह अब क्या हो गया, यह रिफ्लेक्सिव है, यह आइडेंटिटी है एंड रिफ्लेक्सिव है, बोथ है रिफ्लेक्सिव। तो कहने का मतलब यह आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव दोनों है, यह ओनली रिफ्लेक्सिव है, तो हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट कि आइडेंटिटी इज आल्सो रिफ्लेक्सिव, यानी कि नोट में लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी इज आल्सो या ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव, REFLIXV रिफ्लेक्सिव, एंड रिफ्लेक्सिव नीड नोट आइडेंटिटी, ये हो सकता है। यहाँ पर क्लियर है कि आइडेंटिटी को हम लोग क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी नहीं कह सकते हैं। अकॉर्डिंग थोड़ा सा और यदि हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर पाएं, तो कहता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इफ
एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यह किसका है? रिफ्लेक्सिव का है। और आइडेंटिटी क्या है इसको देखेंगे ध्यान से। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ये बस ओनली लेके यहां पर थोड़ा सा मामला है कि इटसेल्फ और इट ओनली, यानी कि यहां पर जो है सो ओनली है, ओनली डबलेट बनाया। और इसमें क्या है? इटसेल्फ, इटसेल्फ 1 1 2 2 3 3, कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है। दैट मींस हमने सीखा कि आइडेंटिफाई यानी कैसे करें रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को एंड ट्रांजिटिव को, एंड यह भी जाना कि डिफरेंस क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में, क्योंकि दोनों एक ऐसा लगता है, दोनों डबलेट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान देना है। एंड लास्ट है इस जो हमें पढ़ना है मुख्य रूप से, इसके बाद हम लोग क्लास का बनाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे, यानी कि हम लोग को जो पढ़ना है अब यूनिवर्सल रिलेशन, यह मुख्य है। यूनिवर्सल रिलेशन भी पढ़ना है, तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या क्या हो सकता है? ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी यूनिवर्सल इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों होना होगा। यानी यूनिवर्सल रिलेशन के लिए क्या होना होगा? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, कोई सेट पर है, यानी कि ए इक्वल टू हम मान लेते हैं 1 2 3 है, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमने अभी जान लिया है कि 1 1 1 2 डॉट 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 लास्ट 3 3, यानी कि टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो कब होगा? जब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। यदि हम कहें कि आर वन इक्वल टू ए क्रॉस ए, क्या होगा? क्या ट्रांजिटिविटी है? तो ट्रांजिटिविटी है, यह इसको मैंने पढ़ा, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिविटी भी है, और सॉरी सिमेट्री है और ट्रांजिटिविटी भी है, यानी कि ए क्रॉस ए का मतलब टोटली एलिमेंट्स हमारे पास क्या करेगा? कवर करेगा 1 2 3, यानी कि 1 1 भी, 1 2 भी, 1 3 भी, 2 1 भी, 2 2 भी, 2 3 भी, 3 1 भी, 3 2 भी, 3 कॉमा देना कोई जरूरी नहीं, देख लेंगे, दे भी सकते हैं। यानी कि आप R2, यदि हम कोई दूसरा एलिमेंट R2 लेके देखते हैं, ये क्या यह जो है सो इन्वर्सल रिलेशन को सेटिस्फाइड कर पाता है कि नहीं? तो एक यदि हम लेते हैं 1 1 सपोज करते हैं, 2 2 लेते हैं, 3 3 लेते हैं, अब यहाँ पर 1 1 1 2 लेते हैं, क्या यह रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है कि नहीं? यूनिवर्सल रिलेशन के लिए तीनों होना चाहिए। तो तीनों होने के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि 1 1 हमारे पास है, 2 2 है, 3 3 है, यानी कि तीनों रिलेशन यहाँ पर मिल रहा है, और तब हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव भी है यह, और यह क्या है? सिमेट्री भी है, और यह क्या है? ट्रांजिटिविटी भी है, ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंगली मैंने बताया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि क्या इसको हम आइडेंटिटी कह सकते हैं? एक चीज और आ गया, उस पर भी फिर रिवाइज कर लें, आइडेंटिटी नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी होने के लिए सबको इटसेल्फ ओनली, मैंने एक डिफिनेशन लिखा था इटसेल्फ ओनली यानी कि होना चाहिए, और यह इटसेल्फ ओनली नहीं होके यहाँ पर ये भी केसेस है। सो यहाँ तक यूनिवर्सल रिलेशन तक करेंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे, एक्सरसाइज इंप्रोविज करेंगे 1.1 में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड बेहतर रूप से इसे पढ़ें, यदि दिक्कत हो तो फिर आगे हमसे कमेंट सेक्शन में जाके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप लोग तो हमसे पूछें।